અમદાવાદ ખાતે આવેલ આરએએફ કેમ્પમાં બનેલી નવી ઇમારતોનું ઉદ્ઘાટન વિશેષ મહાનિર્દેશક રાજેશ પ્રતાપસિંહ દ્વારા કરવામાં આવ્યું. હંમેશા રાજ્યમાં કુદરતી આફત ધમાલમાં હંમેશા લોકોની સેવા કરતા અર્ધલશ્કરી દળના જવાનોને રહેવા માટેના ક્વાર્ટર્સનું આજરોજ અમદાવાદ ખાતે ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું. આજરોજ 100થી દૂધ કાર્યાલય વસ્ત્રાલ અમદાવાદમાં કેન્દ્રીય લોક નિર્માણ વિભાગ દ્વારા નવનિર્મિત 221 ક્વાર્ટરોનું ઉદ્ઘાટન કરાયું, જેમાં મુખ્ય અતિથિ તરીકે આઈપીએસ રાજેશ પ્રતાપસિંહ રાજકુમાર સહિત ઉચ્ચ અધિકારીઓ અને કેન્દ્રીય લોક નિર્માણ વિભાગના અધિકારીઓ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. અને સાથે સાથે 109 વિવાહિત દૂધ કાર્યબલ અને બટાલિયનના અન્ય અધિકારીઓ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. સરકાર દ્વારા બનાવેલા મકાનો બધી જ સુવિધાથી સજ્જ હોવાથી આવનારા દિવસોમાં આરએએફ કેમ્પના બધા જવાનોને રહેવા માટેની ઉત્તમ સુવિધા મળી રહેશે. આ કાર્યક્રમમાં વૃક્ષારોપણનો કાર્યક્રમ પણ યોજાયો હતો, જેમાં મુખ્ય અતિથિ સહિત બધા જ અધિકારીઓ દ્વારા વૃક્ષારોપણ કરવામાં આવ્યું. મુખ્ય અતિથિ અધિકારી દ્વારા દળના બધા સભ્યોની સમસ્યાઓનું નિરાકરણ કરવા માટે બધા સૈનિકોનું સંમેલન યોજાયું હતું. और इसके साथ ही साथ यहाँ पे जो यहाँ के लोग रहने वाले जो अन्य बटालियंस हैं उनके लिए भी कुछ सुविधाएँ होती है. बेसिकली जो आ रहे हैं जगह जगह दूरी होती है तो ये एक बहुत बड़ी सुविधा होगी जिसको हम लोग धीरे धीरे कनेक्ट कर रहे हैं. नहीं, ये तो क्वार्टर ऑथराइजेशन के हिसाब से, जैसे कि जो है ऑफिसर्स के कुछ कम होंगे, हेड कॉन्स्टेबल्स के कुछ 50-60% है, जवानों के भी अभी 60% नहीं देखिए, बेसिकली रैपिड एक्शन फोर्स का जो मेन वो है वो तो ये लॉ एंड ऑर्डर का है, लेकिन ओवर द पीरियड जो है लॉ एंड ऑर्डर और बाकी चीज़ें इस तरह से एक दूसरे से मिल गई हैं. नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर या टेररिज्म या कम्युनिज्म के साथ साथ सब चीज़ें मिल गई हैं, इसलिए बहुत ही सेंसिटिव रोल हो जाता है कि कब जो है लॉ एंड ऑर्डर कम्युनिज्म जो है वो टेररिज्म में बदल जाए पता नहीं चलता. तो इसलिए अब इनकी ट्रेनिंग पे हम लोग ज़्यादा जोर दे रहे हैं ताकि इनको वेल ट्रेन किया जाए. जिस इलाके में इनकी रहते हैं या जहाँ लाइकली डिप्लॉयमेंट है वहाँ पर भी उसके बारे में इनको जानकारी हो, ताकि जो स्थानीय सांस्कृतिक चीज़ें हैं उसको ये लोग रखें और लोगों की जो स्थानीय भावनाएँ हैं उसको कोई बिना ठेस पहुँचाते हुए कानून व्यवस्था बनाए. ये 221 क्वार्टर्स जो है इसमें आपके 218 क्वार्टर्स टाइप 2 हैं, इसमें 1 टाइप 4 है और 2 जो है टाइप 3 क्वार्टर्स हैं. सो ये जो वर्क है ऑलमोस्ट 60,000 स्क्वायर मीटर जो है इसका एरिया जो है आपका है, जिसको जो है हम लोगों ने जो है ऑलमोस्ट 2 years कम्प्लीट किया है. और इसका जो अलॉटेड जो फंड जो सेक्शन अमाउंट था 31 करोड़ के आसपास का था, तो इसमें जो है 31.5 करोड़ के आसपास की बिल्डिंग वर्क कम्प्लीट हुई है. तो पर स्क्वायर मीटर जो इसका पड़ा है हमारा 1800 स्क्वायर फीट के हिसाब से पड़ा है. मेजर जो इस पर जो वर्क पे हमने जो PPC सीमेंट यूज़ किया है, हमारी जो फ्लोरिंग है विटिफाइड टाइल्स है, और कोशिश ये रही है कि एनर्जी एफिशिएंट जो मटेरियल्स है उसके अनुसार से, ग्रह नॉर्म्स के अनुसार से और मटेरियल को हम यूज़ करें और उसके अनुसार से क्वालिटी वाइज अच्छा प्रोडक्ट जो है बनाकर इशू करें. बहुत अच्छा तरीके से निकल कर आया है और आज आपका भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन रहा है. टीम जो है हमारी सी पेट्रोलिंग के बहुत डेडिकेटेड ग्रुप है, 15 ब्लॉक्स हैं इसमें, उसमें G+3 आपके जो है ब्लॉक्स हैं, जिसमें से 14 ब्लॉक्स टाइप 2 है जो G+3 है, बाकी टाइप 3 के 1, टाइप 3 के 2 और टाइप 1 के 2 जो एक ब्लॉक है. જયેશ પ્રજાપતિ સાથે NS ગુજરાત ન્યૂઝ અમદાવાદ.